समझा तो मौत क्या चीज है तू ही बता कि बड़ी क्या चीज आज से ठीक पचास साल पहले भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कराया था पाकिस्तान की सेना से भारतीय सशस्त्र सेनाएं आज के दिन को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही हैं आप सभी भारतवासियों को स्वर्णिम विजय वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जय हिंद एवरी वन सो आई एम बैक आई एम कीर्ति पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स एज यू नो कि एग्जाम्स जो हैं वो अब आने वाले हैं तो द प्लान इज जैसे मैंने पहले बोला है कि जनवरी जो है ना वहाँ से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर्स ये दिसंबर ख़त्म करते करते हम लोगों को कर लेना है एवरी डे फोर्टी फिफ्टी क्वेश्चन सैटरडे संडे महा महाडिविजन ताकि द प्लान इज यू नो टूडे सिक्सटीन दिसंबर और हम लोग थर्टी फर्स्ट दिसंबर आते आते इस साल तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर ले तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं अक्टूबर और नवंबर के भी ताकि आपका रिवीजन मैं देख सकूं कि कैसे चल रहा है सो फर्स्ट यू विल गेट कि अक्टूबर नवंबर का मैं आपका देख लूँ रिवीजन कि आपको कितने याद हैं कितने नहीं याद है एंड देन वील गो ऑन Yes. so Jai Hind, let's start the session. Very good morning, very good morning. Current affairs. पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये एक अवॉर्ड के बारे में है और आपको मुझे बताना है यहाँ पे कि ये जो अवॉर्ड है लास्कर डी बैके अवॉर्ड ये किस फील्ड के लिए दिया जाता है नो एक्सप्लेनेशन आई एम जस्ट आस्किंग यू द क्वेश्चन यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चल रहा है मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ मुझे तुरंत तुरंत जवाब चाहिए गुड मॉर्निंग एवरी वन डिफेंस करेंट अफेयर्स के लिए दिस इज द बेस्ट चैनल एंड दिस इज द बेस्ट अफेयर्स इसके बाहर कुछ नहीं आएगा बस मेरा स्ट्रेटजी मैं फिर से बता दूं थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक मुझे चाहिए कि एक जनवरी से लेके इकतीस दिसंबर दो हजार इक्कीस का करंट अफेयर्स आपको कंठस याद हो जाए ये कंठस याद इसलिए हो जाए क्योंकि आपको पता है कि एक साल तक का करेंट अफेयर सब पूछा जा रहा है अगर आपके परीक्षा में वन ईयर करंट अफेयर है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आज विजय दिवस है मुझे पता है और आप लोगों को दिखा होगा क्लास शुरू करने के पहले है ना सोलह दिसंबर विजय दिवस स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं और यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है सोशल सर्विस अभिषेक का रजत बता रहे हैं सी सोनू बता रहे हैं सी मेडिकल साइंस रजत बता रहे हैं मेडिकल साइंस और सोशल साइंस का यहाँ पे थोड़ा सा है लक्ष्मीधर जी भी साइंस ही बता रहे हैं और जवाब भी साइंस ही है आज हम लोग सौ क्वेश्चन अगर आपका साथ रहा तो डिस्कस कर लेंगे और ये सौ क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में आएंगे अगला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड द क्वेश्चन इन योर माइंड एंड देन गिव मी द आंसर क्विकली टाइम होम एंड मटक ठीक है तो यहाँ पे ताई अहोम एंड मटक जो हाल ही में खबरों में रहे किस राज्य के अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब हैं कास्ट नहीं है जब जाति लिखा रहे तो सिर्फ जाति अगर लिखा रहे तो ये कास्ट होता है जब जनजाति लिखा रहे तो ये ट्राइब होता है ठीक है तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो स्टेटस है वो किस स्टेट के लिए है तो आपको पता है जैसे ही अहोम आए आते ही आपको असम पे टिक कर देना है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सबका आंसर बिल्कुल सही है अहोम तो भाई आपको याद रहेगा ही थोड़ा सा मटक भी याद रखिएगा ठीक है मटक में क्या है कि मटक भी असम का ही जनजाति है क्लियर है नो no डाउट चले नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार सिल्क तुषार सिल्क आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहां पे चारों तरह का सिल्क है मुगार मुग आ, मुगा इड़ी तुसार सारा सिल्क हमारे पास है तो के वी आई सी ठीक है खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है के वी आई सी ने तुसार सिल्क का प्रोडक्शन सेंटर शुरू किया है ये आप लोग बताएं जल्दी से कि किस स्टेट में है गुजरात कर्नाटका ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल आप जल्दी इसका आंसर बताएं आपको पता है कि बिहार में एक जगह है भागलपुर जो कि सिल्क के लिए बड़ा फेमस है और कर्नाटका मैसूर भी सिल्क के लिए बहुत फेमस है है ना अटक मटक वाह बादशाह का गाना अटक मटक से आपको असम याद रहेगा बहुत बढ़िया मुझे आंसर वेस्ट बंगाल मिल रहा है या उड़ीसा भी मिल रहा है चले तो देखते हैं इसका आंसर जो ये उड़ीसा है ठीक है थीके? ज्यादातर लोग वेस्ट बंगाल कह रहे हैं देखिए इसी तरीके से हम लोग हर महीने डिवीज़न करेंगे हर दिन हर महीने का डिवीज़न करेंगे और आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा कोई डाउट नहीं है इसमें ये ओडिशा है वेस्ट बंगाल नहीं है इसका जवाब यहाँ पे ही आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं अगला सवाल आपके सामने है विच मिनिस्ट्री विच मिनिस्ट्री लॉन्च द प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज ठीक है तो प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज जो है वो किस मंत्रालय द्वारा है ये देख लीजिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज ये क्या है इंडिया के स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के लिए है तो ये बताएं कि ये किस मिनिस्ट्री द्वारा है हाँ ओडिशा में जय जगन्नाथ जी का मंदिर है और बिल्कुल उनका कहानी भी आप लोग सुने होंगे चले आंसर बताएं तो देखिये ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है यहाँ पे आपका प्लेनेटेरियम इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है अगला सवाल आपके सामने है कि हु बीन द गोल ग्लोबल कीपर अवार्ड ग्लोबल गोल कीपर जो है ये किसको मिला है एम का द्वार है बिल्कुल आ, हाँ ठीक है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी देखिए इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमएसएमई या फिर जल शक्ति नहीं है मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है हर इनोवेशन में हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब होगा चलें ग्लोबल गोल कीपर जो है ये अवार्ड आप बताएं ग्लोबल गोल कीपर एवॉर्ड किसको मिला है गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग आप लोग क्लास में आठ बजे आए मुझे पता है आज मैंने थोड़ी सी डिले हो गया था ये टेक्निकल था लेकिन मैं टाइम पे आ गई थी आप लोग भी टाइम पे आए वेरी गुड मॉर्निंग रवि जी रणवीर कुमार जी गुड मॉर्निंग देख लिया मैंने चले आंसर दें इसका जवाब जो है ये देखे ये इस महीने का नहीं है आपको पता है ये अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स है हम लोग पहले अक्टूबर पढ़ेंगे फिर नवंबर फिर दिसंबर और फिर धीरे धीरे इसी को हम लोग जनवरी तक खींच के ले जाएंगे है ना क्योंकि मेरा टारगेट आप जानते हैं ये मुझे लग रहा है कि आपका जो भी एग्जाम होने वाला है यूपीएससी अगर सी लेडी है या फिर एफ कैट लेडी है या एन डी ए का जो परीक्षा होने वाला है उसमें आपको जनवरी से ही पूछा जाएगा अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा तो एक साल का तो आपको पढ़ के ही जाना है चलें तो इसका आंसर जो है ये आप देख सकते हैं फुम जिले का ठीक है तो ये इसका आंसर है बहुत लोग जो हैं इसका आंसर सही दे रहे हैं एक्सप्लेन मैंने पहले कर दिया था इसलिए आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ कौन से साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री रिसेंटली मूव टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज तो यहां पे नहीं नहीं टी ब्रेक बिल्कुल नहीं था हा मिल जाएगी पीडीएफ देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे और ये बिल्कुल डेडिकेटेड है दो तरह के परीक्षाओं के लिए मैंने हमेशा कहा है क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग सिंपल ग्रेजुएट हैं वो लोग एक डिफेंस का एग्जाम देंगे है ना और एक ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो कि इंजीनियर्स हैं ठीक है इंजीनियर्स है तो ये आपको एस एस सी का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ करंट अफेयर्स आता है यू पी ए का देते हैं वहाँ करंट अफेयर्स आता है और ये लोग कुछ डिफेंस में भी जाते हैं क्योंकि इनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है सीधे इनको एस एस बी के लिए बुला लिया जाता है तो हम लोग इनके लिए भी करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ेंगे यहाँ पे चले तो इसका आंसर जो है ये है वना देखिए इसका है, वानु आतू, वानु आतू जो है वानुअतु वनु जो है यहाँ पे है नेहा मिश्रा जी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी है ना वनु ऑतु जो है इसका आंसर है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग तो आपसे पूछा जा सकता है वनुतु के बारे में अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा तो मैंने बनाया है यहाँ पे वनुतु के बारे में कि ये कहाँ पे है ठीक है और मैं जल्दी ही इक्कीस तारीख को एक्चुअली एक बीस को थोड़े एग्जाम्स है कुछ तो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ मतलब मेरे एग्जाम्स नहीं है बच्चों के एग्ज़ाम है तो उनकी तैयारी करवानी है इक्कीस तारीख को मैं एक वीडियो लेके आऊँगी प्लेसेज इन न्यूज़ ठीक है प्लेसेज इन न्यूज़ जिसमें सारे मैप्स जो है आपको दिखा दिए जाएंगे जोग्राफी से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आपका वहाँ पर बन जाएगा चले और इंजीनियर ग्रेजुएट एक अनाउंसमेंट आप जानते ही होंगे कि 22 दिसंबर को आपका यूपी का पॉलीटेक का एग्ज़ाम है चले अगला सवाल जो है वो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो है विच एंटिटी जो है इसको ऑपरेट है कौन सी एंटिटी इसको ऑपरेट कर रही है इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा जल्दी बताएंगे तो बढ़िया रहेगा है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप एक बार टेलीग्राम पे सर्च करें आपको मिल जाएगा ठीक है चले तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है ये इसको कर रही है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पे देखिए ये फिर से एक रिविजन का सवाल है बिल्कुल बिल्कुल नीति आयोग आंसर नहीं है सोनू जी हाँ एविएशन ही होगा बिल्कुल बात सही है सिविल एविएशन ही इसका जवाब है अब आप देखें भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसमें सौर पैनल आपको पता है अभी सोलर और बाकी इस तरह के जो रीनएबल रिसोर्सेज इस पर काफ़ी बात हो रही है अगर आप संसद को फॉलो कर रहे हैं तो संसद में अभी दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक है सेमी कंडक्टर का क्या प्लान है इंडिया में जो सेमी कंडक्टर आप जानते हैं सिलिकॉन आर्सेनिक एंटी आंटिम, एंटीमोनी ये सब सेमी कंडक्टर है तो सेमी कंडक्टर का क्या प्लान है और दूसरा एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है जैविक खेती को लेकर ताकि फार्मर का जो इनपुट है फार्मर का इनपुट है वो उसको जीरो कर दिया जाए अगर फार्मर खेत में काम कर रहे हैं तो उनका एक भी रुपया खेत में ना लगे और ये सारे पैसे जो हैं वो आराम से अपने लिए रख सकें और जीरो मतलब गाय के गोबर और ये सब चीज़ों को लेकर वो खेती कर रहे हैं फार्मर को भी इसका फ़ायदा समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग सोलर खेती सोलर पैनल्स का बात कर रहे हैं और सोनल सोलर रेलवे स्टेशन जो है हंड्रेड परसेंट डे टाइम एनर्जी थ्रू सोलर पैनल यानी कि सौ प्रतिशत दिन में इनको सोलर से मिलेगा और आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब नहीं दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बी और सी में कन्फ्यूज हैं मुझे कहीं कहीं ही चेन्नई दिख रहा है और ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ आपसे ये चेन्नई है चेन्नई रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरह से दिन में डे टाइम में ठीक है रात में नहीं डे टाइम में हंड्रेड परसेंट सोलर पैनल पे निर्भर रहेगा बहुत जल्दी रात में भी हो जाएगा अगला सवाल आपके सामने है मुझे थोड़ा फास्ट जवाब चाहिए जय हिंद बिल्कुल और आज आप जानते हैं आज के दिन का खासियत उसके बारे में भी बात होगी लेकिन पहले आप लोग सवाल और जवाब जल्दी से कर लें तो देखें यहाँ पे इन विथ स्टेट द फर्स्ट सेंटर ऑफ वीवर सर्विस एंड डिजाइन सेंटर हैज बीन स्टैब्लिश ठीक है तो यहाँ पे बुनकर के बारे में बोला जा रहा है कि किस देश में बुनकर सेवा और डिजाइन सेंटर केंद्र की स्थापना की गई है ठीक है हाँ जी बहुत गुड मॉर्निंग और आप लोग अगर सुबह में थोड़ा मेडिटेशन सॉन्ग सुनते हैं सुबह हम बोलने का मतलब है कि यार आप लोग चार बजे सुबह उठे ठंडा गर्मी के बारे में ना सोचें बहुत लोग बच्चे पूछते हैं मैडम कितने बजे उठना है या तो आप चार बजे उठें या तो फिर बहुत लोग लेट तक पढ़ते हैं लेट तक पढ़ा भी जाता है है ना हम लोग भी पढ़े हैं लेकिन ये थोड़ा हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो जाता है और खासकर अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं या आप किसी ऐसे सर्विस में जाना चाहते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होती है ठीक है ए -E वगैरह में भी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग का मतलब ही ये बनता है कि आपको सुबह में उठना कही आदत होनी चाहिए और आई में सबसे टफ ट्रेनिंग होती है जो कि देहरादून में है ओ में कहते हैं कि जो चेन्नई में है कम्पेरिटिवली थोड़ा सा आसान है इसलिए आप सुबह सुबह जल्दी उठें थोड़ा गायत्री मंत्र पढ़ लें तो आपको मन की शांति भी मिल जाएगी मेडिटेशन भी हो जाएगा और आप लोग आंसर भी बता रहे हैं मुझे लेकिन गलत आंसर बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश आंसर है उत्तराखंड इसका जवाब नहीं है देखिए आप लोग हमेशा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं दालचीनी के बारे में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश अगर लाइकन पार्क के बारे में पूछा जाए तो ये उत्तराखंड है लाइकन पार्क ठीक है तो इसमें कंफ्यूज ना करें अगला सवाल आपके सामने है देखिए उठ तो जाते हैं पर फिर सो जाते हैं नहीं तो इसको आप थोड़ा सा मेंटेन करके रखें ठीक है उठ तो जाते हैं पर सोइए मत और बिल्कुल पढ़ते रहिए यहाँ पे अगला सवाल है द बुक टाइटल द बैटल ऑफ देखिए ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं डिफेंस से रिलेटेड है तो ऑथर्ड हैज बीन रिलीज बाई रेजांगला जो है ये एक किताब लिखा गया है मैंने पहले भी बताया था सियाचिन में कई युद्ध हुए हैं उसमें से कुछ युद्ध पे अलग से किताब लिखा गया है इसका आंसर क्या होगा आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है जिम में आप जाएं अगर कोशिश कर सके आप लोग तो सुबह सुबह डीडी न्यूज सुने या फिर संसद टीवी न्यूज सुने अभी तो संसद का न्यूज चलेगा लेकिन जब ऑफ द सेशन रहता है तो बहुत अच्छा रहता है उसका कार्यक्रम मैं पहले राज्यसभा टीवी सुनती थी अब तो दोनों मिला के संसद टीवी हो गया है है ना जी ठीक है तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही बता रहे कुलप्रीत यादव ये एक्चुअली उनकी बेटी है जिन्होंने लिखा है और बहुत सुंदर किताब है अगर आपको चाहिए होगा ये किताब तो उसका भी मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ अवेल करा सकती हूँ टेलीग्राम पे आपको जो भी किताब चाहिए आप मेरे से मांग सकते हैं पढ़ने के लिए आई एम ऑलवेज इट कि आप लोग अच्छे से पढ़ें जो चाहिए वो पढ़ें कोर्स को छोड़कर अगर कुछ अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जानी चाहिए ठीक है किंडल है मेरे पास आई कैन शेयर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फर्स्ट स्टेट टू पास इट्स वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान दो हजार इक्कीस तीस तो 2021 से 2030 तक एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है ये इस राज्य में शुरू किया गया है ये राज्य जो है वो कौन सा है रेज़ंगला कहाँ है ये सियाचिन में है सियाचिन में कई युद्ध हुए हैं उसमें से एक युद्ध जो है रेज़ंगला का भी हुआ है अच्छा हिंदू का न्यूज रीड करते हैं बहुत बढ़िया चलिए इसका जवाब मुझे तुरंत मिल गया इसलिए मैं तुरंत इसको बता दूं महाराष्ट्र इसका आंसर है आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं वाइल्ड लाइफ पे एक एक्शन प्लान जो है वो महाराष्ट्र द्वारा दौ, लाया गया है अगला सवाल व्हाट इज द रैंक ऑफ देखिए अब जो है ना अक्टूबर का दस क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवा दिया अब मैं नवम्बर का करवा रही हूँ ठीक है उसके बाद फिर से हम लोग दिसंबर में आ जाएंगे चले अगला सवाल है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड तो ये इसका जवाब आप लोग दें मैं थोड़ा वेट कर रही हूं कि आप लोग जवाब दें नहीं तमिलनाडु नहीं है महाराष्ट्र ही है अगर आप लोग को थोड़ा सेशन पसंद आ रहा है कि यहां पे आपको डिफेंस के एग्जाम के लिए या इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है आपको मतलब है क्वेश्चन और आंसर से मुझे पता है कभी कभी एक्सप्लेनेशन सुनने का मन नहीं करता है जहां आवश्यक होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का यहां पे करंट अफेयर्स फॉर ऑल द एग्जाम्स जो भी परीक्षा होते हैं हम लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग इसी अगर पसंद है तो लाइक कर सकते हैं हाल ही में जारी ग्लोबल ये जो है ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ ही लिया आप लोग आंसर भी बता रहे हैं नोवा स्थान है बारवा स्थान नहीं है देखिए आप लोग इसी में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कोई बात नहीं हम लोग इसी को डिस्कस करके और बेहतरीन बना सकते हैं ये नोवा स्थान है अगला सवाल आपके सामने है कि विच कंट्री हैज़ रिलीज इनाग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट तो ये बताएं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो है वो किस देश द्वारा रिलीज किया गया है इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज टेल मी द आंसर। कल कल कौन से मंथ का होगा? बच्चा कल होगा बच्चा आपका। अक्टूबर के पहले कौन सा महीना आता है सितंबर, अगस्त कर लीजिएगा अगस्त सितंबर थोड़ा कर लीजिएगा इसके दस क्वेश्चन इसके दस क्वेश्चन और फिर से हम लोग करंट अफेयर्स में आ जाएंगे हाँ और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर महीने के जैसे कि बारह महीने हैं हर महीने के दस क्वेश्चन तो एक सौ बीस क्वेश्चन आपके टोटल हो जाएंगे है ना तो इसका जवाब बिल्कुल साउथ कोरिया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर जो है साउथ कोरिया ने दिया है और आप लोग जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं चले अगला सवाल आपके सामने है मैं हट जाती हूं इधर से देखिए ऑर्बिच्योरीज पे क्वेश्चन आता है फास्ट अवे निधन पे क्वेश्चन आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए डेट नहीं याद करना है कि किस दिन निधन हुआ है लेकिन आपको याद करना है कि वो थे कौन तो ये देखिए एमिनेंट स्पेशलिस्ट हैं कैंसर के यानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये इनका निधन हुआ है और इनका नाम जो है ये डॉक्टर माधवन कृष्णन पद्म नायर है तो ऐसा भी पूछा जा सकता है की माधवन कृष्णन पद्म नायर जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है ये कौन है तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी डोर पर शिक्षा आपकी डोर पर दरवाजे पर शिक्षा शुरू किया है और आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसा शुरू किया गया है द्वारे अभियान है ना द्वारे अभियान में कई योजनाएं हैं खासकर वहां पे लक्ष्मी श्री और जय श्री तरह की योजनाएं हैं ममता बनर्जी विमेन के लिए काफी काम कर रही हैं अगर किसी लड़की को वेस्ट बंगाल में कोई भी कोर्स करना है तो उसको लोन सिर्फ एक परसेंट के रेट पे मिलेगा है ना जी लेकिन डोमिसाइल वहां का होना चाहिए पेंशन के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सब कैंप के हिसाब से वो आपके घर आके नहीं देंगे लेकिन कैंप यानी घर के पास ही रहेगा चलें तो इसका जवाब जो है ये तमिलनाडु है आप शिक्षा जो है वो डोर डोर पे जाके चेक करेंगे कि क्या किसका पढ़ाई जो है बढ़िया चल रहा है आप जानते हैं कि केरला तमिलनाडु पढ़ाई लिटरेसी रेट में काफी आगे है सबसे नीचे बिहार है पर वो भी बहुत अच्छा कर रहा है अगला सवाल आपके सामने है कि नॉलेज ऐप कंसल्ट ठीक है तो ये देखिए एक नॉलेज ऐप है कंसल्ट ये बताएं कि किस केंद्रीय मंत्री ने ये ज्ञान ऐप कंसल्ट लॉन्च किया है कंसल्ट कंसल्ट यानी कि आप कंसल्ट कर सकते हैं मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई किसी भी कारणवश थोड़ी सी कम हो रही है आप थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं करियर में आपको कुछ और रास्ते चाहिए तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं आप जानते हैं टेलीग्राम पर मैं एक एक बच्चे से पर्सनली भी बात करती हूँ है ना तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मुझे डिफेंस में उतना नहीं लग रहा है ये इशू है या मुझे लग रहा है मैं इंजीनियरिंग में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ या मैं जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करना चाहता हूँ जो भी कंसल्टेशन है आप मैं से ले सकते हैं तो ये हैं आपके नितिन जयराम गडकरी जी नितिन जयराम गडकरी ने ये कंसल्ट ऐप लॉन्च किया है ठीक है हाँ 91 परसेंट लिटरेट है बिल्कुल अगला सवाल आपके सामने है जी बिल्कुल 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 तो ये बताएं कि इंडियन मैथमेटिशियन जिनको हाल ही में रामानुजन प्राइज मिला है इनका नाम क्या है ये कहां से आ गया फटाक से ये सवाल इसका जवाब दें ये तो बहुत रीसेंट क्वेश्चन है दिसंबर महीने का है

अनिता देसाई को मिला है टाटा लिटरेचर किताब जो लिखते हैं तो उनको भी अवार्ड देते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई को मिला है शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी मैंने इनका स्पीच भी सुना है रिसेंटली हु हैज बीन गिवन इंदिरा गांधी पीस प्राइज तो 2021 फर्स्ट अ लीडिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन देखिए ये प्राइस जो है ना आपके परीक्षा में काफी बार पूछा गया है खासकर डिफेंस परीक्षा में पूछा जाता है इंदिरा गांधी जो है हाँ बिल्कुल रोहन आ, मेरे करंट अफेयर्स पढ़ के आपके एनडीए सी सब क्लियर हो जाएंगे आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो यहाँ डिस्कस नहीं हुआ है चले तो ये फर्स्ट जो है एक सिविल सोसाइटी है इसको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2021 हेमा मालिनी जो है और प्रसून जोशी इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है तो कुछ अवार्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं है ना क्लियर हो गया या हो जाएगा चले तो ये बताएं ये आप जानते हैं देखिए ये इस, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको नाम याद रखना है नाम आपको पता है हर अभी संधु है अभी -अभी देखा आपने उनका डांस का वीडियो भी वायरल हो रहा है हो रहा है देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक तो सत्तरवा मिस यूनिवर्स है ये हम लोग इक्कीस साल बाद जीते हैं ठीक है थीके? इसके पहले लाड़ा दत्ता और मतलब सबसे पहले सुष्मिता सेन फिर लाला दत्ता और हरनाथ संधु है ठीक है और एक और चीज कि ये जो हुआ है ना ये इसराइल में हुआ है इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है इसराइल को हुआ है इस बात को ध्यान रखिएगा आज विजय दिवस है मुझे पता है हम लोग स्वर्ण जयंती मना रहे हैं पचास साल हो गए हैं विजय दिवस के और ये आप देखें फिर देखिए कुछ और अवार्ड्स हम हाँ देख लें यहाँ पे यहाँ पे देखिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 जो है थॉमस विजयन को मिला इस बात को ध्यान रखिएगा फिर नोबल पीस नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर किताब लिखा है इन्होंने ये अफ्रीका के हैं और उस समय के जो लोग थे किस तरह से उनको स्लेव में डा डाया गया ये सब के बारे में अब्दुल रजाक गुरनाही द्वारा ये किताब लिखा गया है इसको ध्यान रखेगा फिल्म मेकर जो है बी गोपाल इनको सत्यजीत रे अवार्ड मिला है तिलोत्मा शो में जो है इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल इन कुछ बातों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे नहीं याद होगा कोई बात नहीं हम इतना बार बोलेंगे ना कि आप लोग बोलेंगे मैम याद हो गया है. ठीक है ये मेरी गारंटी है चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा का संरक्षण दिवस मुझे पता है कल ही हम लोगों ने इस बारे में बात किया है लेकिन आज फिर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा रिविजन जो है हम लोग साथ साथ करते चले तो ये चौदह दिसंबर है और आज जो है आप जानते हैं विजय दिवस है और उसकी हम लोग स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ़ यूनिसेफ यूनिसेफ रिसेंटली तो इनकी नई हेड कौन बनी है आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये कैथरीन रसल है और कैथरीन रसल जो है अभी इसके पहले सेक्रेटरी थी यूएस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जो बिडेन यस 1996 2000 बिल्कुल और 2021 ये बता रहे हैं मुझे केडी नागर जी बिल्कुल बात सही है नागर जी चले यूनिसेफ का हेड क्वार्टर आप जानते हैं न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ जो है 1946 11 दिसंबर को स्टैब्लिश हुआ है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देखिए ये बहुत बार ये सवाल जो है मैंने काफ़ी परीक्षाओं में देखा है एस वगैरह जो कंडक्ट कर रहा है उसमें भी ये सवाल आ रहा है तो आप ध्यान दें इसको ये है विवे, विवेक विवेक जोहड़ी जी ठीक है फिर आप देखें नेक्स्ट सवाल जो है परमानेंट सीओ ऑफ आईसीसी जो है वो भी बन गए हैं जे ऑफ अल तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो मैंने यहां रुद्र रुद्री जी आप लेट हैं कोई बात नहीं आज तो हम भी थोड़ा सा लेट हैं है ना तो चले नेक्स्ट सवाल जो है आप बताएं कि टैलेंट रिपोर्ट जो कि कल ही मैंने बताया है टैलेंट रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है हाँ बिल्कुल आप बताएं जल्दी से इसका जवाब और टाइम वेस्ट नहीं करना है फिफ्टी सिक्स है भारत की रैंकिंग टैलेंट रिपोर्ट में सूरज आ गए हैं ठीक है चले यहां पे हम लोग बस कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको रिवाइज कर ले कुछ रैंक है देखिए भारत जो है हंगर इंडेक्स में एक स्थान पे है भारत जो है क्रिप्टो एडॉप्शन क्रिप्टो करेंसी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने हम लोग इकोनॉमी में डालें इस पे भारत का रैंक सेकंड है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए हैं कि आप किस तर्ज पे ये बोल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंक सेवेंटी नाइन्थ है क्योंकि हम लोगों ने अपने रूल ऑफ लॉ को काफ़ी ध्यान रखा है इंडियाज रैंक इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो है ये अट्ठारहवा है तो आप लोगों को ये सारे आंसर्स जो हैं वो यहाँ पे मिल गए हैं अगला सवाल जो है आपके सामने है कि इंडियन ओरिजिन वुमेन जिनको फर्स्ट वुमेन ऑफ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ये ठीक है पहली बार ऐसा हुआ है कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ये प्रेसिडेंट है और मैंने काफी बार कहा है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं एक स्कॉलर हैं एक अकेडमिशियन है तो आप चाहते होंगे कि आपके जो सर्टिफिकेट्स उसमें कोई बहुत प्रस्टिजियस यूनिवर्सिटी का नाम आए है ना और मैं ये सिर्फ भारत के तर्ज में नहीं कह रही मैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कह रही हूँ पेंसिल्वेनिया है कैम्ब्रिज है ऑक्सफोर्ड है तो आप लोग ये बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मैम मैंने कभी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है कोई बात नहीं अगर आप एक ऑफिसर बन जाते हैं सरकार में चले जाते हैं तो आपको पता है कि सरकार आपके ट्रेनिंग और आपके पढ़ाई के लिए कुछ भी अमाउंट जो है वो खर्च कर सकती है कहीं पे भी घूमने का शौक है सरकारी नौकरी ले ले कहीं पे भी पढ़ने का शौक है तो आप एक सरकारी नौकरी ले लें एक ऑफिसर बन के जाए और सरकार आपके ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो है वो चलाती है तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो है ये नीलिन बेंदापुदी मैंने पहले भी बोला है बेंदापुदी जो है पहली ऐसी वुमेन है और ये इंडियन ओरिजिन की है ठीक है विशाखापट्टनम में इनका जन्म हुआ है और ये बन चुकी है प्रेसिडेंट है ना चले फिर अगला सवाल है अगला सवाल ये है कि सवाल नहीं एक्चुअली फर्स्ट वुमेन था ना तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वुमेन फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट फीमेल के बारे में कुछ ऐसे डेटा कलेक्ट कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो देखिए डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सौ साल हो गया इसको बने हुए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पहली बार एक वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इसकी और इनका नाम है धृति बैनर्जी धृति बैनर्जी क्लियर है तो अब आपको फर्स्ट वुमेन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसी तरह से मैं आपको फैक्ट्स कलेक्ट कर करके बता दूंगी चले फिर है नगोजो नगोजी ओ कौनजो इवाल इनका नाम थोड़ा सा टफ है इवाल करके याद एन ओ नो no ईवाल करके हम लोग याद करते हैं इसको नो no इवाल तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है ये बन गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इस बात को ध्यान रखिएगा पहली बार एक वुमेन प्रेसिडेंट बनी है डब्ल्यू की ये भी बहुत ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आप सी का परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा लिखने के लिए दिया जाता है ना तो आप ये तरह का अगर फैक्ट्स डालेंगे तो आपके पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे फिर अगला सवाल जो है फ्रांसेज फ्रांस का जो म्यूजियम है लॉवड़े ये काफी फेमस म्यूजियम है पहली बार एक प्रेसिडेंट बनी है फीमेल और इनका नाम है लॉरेंस डी कार्स ठीक है दो साल बाद मतलब दो साल हो गया इस म्यूजियम को बने हुए और आज तक कभी भी कोई विमेन नहीं थी यहाँ की प्रेसिडेंट पहली बार ये वीमेन बनी है इनका नाम आप ध्यान रखेगा हो गया फर्स्ट वुमेन फर्स्ट वुमेन पूरे दुनिया भर में फर्स्ट वुमेन जो है वो यही चार क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है चारों का नाम मैं फिर से बोल देती हूँ है ना नीली बेंदा पोदी आप जानते हैं फिर धृति बैनर्जी को भी जानते हैं नगोजी इवाल को भी जानते हैं और लॉरेंस डी कार्स को भी जानते हैं नेक्स्ट सवाल जो है है आपके सामने यहाँ पे मैं तुरंत से बता दूंगी कि पुलिस कमिश्नर जो है पुलिस कमिश्नरेट आप जानते हैं मध्य प्रदेश में दो जगह डाला जा रहा है वो है इंदौर जो कि उसका फाइनेंस कैपिटल है इंदौर जो कि अब आने वाला मुंबई से बेहतरीन इंदौर बनने वाला है और भोपाल ठीक है चलें तो इसका आंसर है इंदौर और भोपाल अगला ये मैं एक देख मोनालिसा की पेंटिंग शायद इसमें है में है ठीक हाँ, लौवर, है, है तो मध्य प्र, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम आपको पता है शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है यहाँ गोंड की रानी गोंड एक ट्राइब है गौंड जो है ट्राइब है और गोंड की रानी रानी कमलापति जो है इनका नाम बदल के हबीबगंज का रानी कमलापति के नाम पे हो गया है फिर मध्य प्रदेश जो है जबलपुर यहाँ पे पहला फ्लैग सत्याग्रह हुआ है बहुत सुंदर यहां पे एक झरना भी है उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मध्य प्रदेश में एक नदी भी है जिसका नाम है नर्मदा नदी है ना अमरकंटक की प्लेटियों से ये नर्मदा नदी निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में नहीं जाकर लिफ्ट वैली से गुजरकर अरब के सागर में चली जाती है नर्मदा नदी और तापी नदी ही ऐसी दो मेन नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाती है जिसमें से नर्मदा नदी यही मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है अब आप देखें स्टेट में पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है ये भी तांत्या भील तांत्या भील एक्चुअली रॉबिन हुड थे है ना रॉबिन हुड पांडे नहीं थे रॉबिन हुड थे और ये अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे तांत्या भील जो है पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पे पड़ गया है ये भी ट्राइब है मध्य प्रदेश में एक्चुअली शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत सारे हैं जैसे कि भील भी एक ट्राइब है है ना भील है ये सब मध्य प्रदेश में इनका नाम ध्यान रखिएगा एक और ट्राइब का हम नाम बताएंगे लेकिन ये मध्य प्रदेश का नहीं है बाकरवाल बाकरवाल बोले बकर बोले जो बोले तो जम्मू कश्मीर में है ये ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जो बोलते हैं ना यानी कि वो घूमते बहुत इधर उधर है माइग्रेट करते हैं इधर उधर और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है नीति आयोग ने कहा है कि इन्होंने 187 एट सेवन अटल टिंकरिंग लैब बना दिया है अब हजार टिंकरिंग लैब जो है वो वही बताए बनाएंगे जहां के बाकरावाल है अभिषेक मिश्रा जी हमारा नाम जानना चाहते हैं ठीक है हम अपना नाम बता देते हैं ये जम्मू कश्मीर इसका जवाब है और हमारा नाम है कीर्ति ठीक है कीर्ति और टाइटल जो है वो याद रहेगा आप लोगों को क्योंकि हमारा टाइटल कोई नहीं भूलता है और वो है पांडे ठीक है चले है ना हाँ जी तो ये देखिए नीति आयोग कब बनाए देखिए हर बार मैंने देखा है ये सवाल घूम फिर के कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि नीति आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई है कब नीति आयोग जो है वो बना है है ना 2015 में बना है एक जनवरी है आप लोग कभी कभी आपको लगता है कि अप्रैल में बना होगा बहुत लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं अगस्त में बना होगा एग्जामिनर भी आपको कंफ्यूज करता है यहीं पे अप्रैल दे देगा तो आप सोचेंगे चलो फाइनेंस ईयर जो है अप्रैल से ऐसा कुछ नहीं है एक जनवरी जो है 2015 हजार है न्यू दिल्ली में है चेयरमैन जो है ये एक है ठीक है यानी कि जो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो ही यहाँ पे चेयरमैन रहेगा नीति आयोग का किसको हटाया गया है प्लानिंग कमीशन के तर्ज पे बना है प्लानिंग कमीशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का ब्रेन चाइल्ड था वो हट गया है और वाइस चेयरमैन पहले अरविंद पनगड़िया जी थे लेकिन अब राजीव कुमार हैं और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं काफी बार सीईओ से प्रश्न जो है वो आते हैं है ना चले अगला सवाल जो है आप देखें कीर्ति मैम यह फेमस नहीं हमारा नाम फेमस नहीं टाइटल बड़ा फेमस है है ना चले तो अगला सवाल आप देखें कौन सा ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड मिला है है इनको असम का ठीक तो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप जानते हैं हाचुर पांडे के कारण हाँ सेमी कंडक्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे देखिए संसद में जो भी चीज चल रहा है आप जानते हैं कि आपको सरकार का एक अखंड पार्ट बनना है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं बहुत सारे हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं मतलब आप किसी ना किसी तरह सरकार में जाना चाहते हैं तो सरकार किस बारे में चर्चा करती है इस बारे में हमको क्यों नहीं चर्चा करना चाहिए आप तभी एक ऑफिसर बन सकते हैं जब आप पहले ही से अपने आप को एक ऑफिसर की तरह सोचे मतलब आप खा रहे हैं पी रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप एक ऑफिसर ऑलरेडी हैं इस बात को पहले ध्यान रखें और उस बारे में ही सोचे जो सरकार सोच रही है ये जो आप लोग सोचते हैं है ना इंस्टा फेसबुक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब थोड़ा कुछ दिन के लिए साइड कर ले सरकार की तरह सोचे जिसमें सरकार अभी सेमी और जन आंदोलन का बात कर रही है ताकि जैविक खेती जो है हो सके हम लोग इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे चले तो ये रतन टाटा है आप जानते हैं असम भैरव अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसके पहले इनको असम सौरभ और असम गौरव एवॉर्ड भी मिल चुका है जैसे कि हमारा पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण और भारत रत्न है उसी तरह इनका जो है असम भैरव है जो कि रतन टाटा जी को मिल चुका है बिल्कुल डिजर्विंग है चले असम के गवर्नर जो हैं जगदीश मुखी हैं असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्वा शर्मा है असम जो है यहाँ पे असम रत्न अवार्ड चलता है और यहाँ पे टोटल सात नेशनल पार्क है जिसमें से कुछ का नाम मैं बताती हूँ रेमोना दिहिंग पटकाई और बाकी जो है आप बताइएगा मुझे मुझे पता है क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में काफी बार डिस्कस किया है है ना यस yes. बिल्कुल बिल्कुल जय श्री राधे कृष्ण जी हाँ अजीम प्रेम जी को भी मिला है बिल्कुल ठीक है बैंकिंग के लिए बिल्कुल जरूरी है अगर देखिए आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं एसएससी वाले काफी बच्चे होते हैं बैंक के काफी बच्चे होते हैं है ना और फिर डिफेंस के बच्चे होते हैं इंजीनियर्स के बच्चे होते हैं इंजीनियर्स के बच्चे नहीं इंजीनियर वाले बच्चे होते हैं तो ये सबके लिए ये करंट अफेयर्स जरूरी है आप कहीं से भी मैच कर ले अगर एक भी ऐसा प्रश्न आपको मिलता है जो कि आपने मे से नहीं सुना है तो फिर मैं तो यहीं खड़ी हूं फिर बात करेंगे हम लोग है ना चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी जो है यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है एन ए आर सी का ठीक है तो ये जो है ये प्रदीप शाह हैं ये इंडियन एशिया फंड एडवाइजर थे पहले और अब इनको बना दिया गया है ये एम का डिग्री है इनके पास हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी से काफी सब खतरनाक डिग्री होता है ऐसा मुझे लगता है चलिए तो अगला सवाल है कि नेशनल माइक्रोवेव अवन डे एक थोड़ा सा आरामदायक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मुझे यहाँ पे नेशनल पार्क बड़ा मिल रहा है तो एक बार मैं पढ़ना चाहूंगी ठीक है हाँ के डी नागर जी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है आप देख लें रजत मानस बता रहे हैं काजीरंगा और ओड़ांग नेशनल पार्क मुझे निकिता से मिला है इसका जवाब नामेड़ी ये ईश इश, इशिका इश बता रही है इश अलग लिखी है इका अलग लिखी है ओके बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं खुशवाहा जी आपका बिल्कुल स्वागत स्वागत है हाँ बिल्कुल प्योर गोल्ड का हार्ट है रतन टाटा जी का बिल्कुल सही सब कोई बहुत अच्छे अच्छी अच्छी बातें यहाँ बता रहे हैं मुझे इस क्लास में यही बहुत मज़ेदार लगता है आपका इनपुट बहुत अच्छा है आप जो जवाब देते हैं उसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन भी देते हैं कुछ चीजें आपको अचानक से ट्रिक याद आ जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है क्लास में और इसका जवाब है छः दिसंबर यहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव से जल्दी खाना गर्म कर लेते हैं ऐसे पता नहीं लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए माइक्रोवेव का आप लोग का कोई फेवरेट डिश है पिज्जा केक वगैरह तो आप लोग बता सकते हैं कुछ लोग तो सब्जी ही गर्म करते हैं माइक्रोवेव में मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं यूज नहीं करती हूं हमारे घर में पता नहीं बहुत पुराना थोड़ा सा सोच है कि नहीं खाना चाहिए माइक्रोवेव का तो बस नहीं खाते हैं फिर बिजली भी बच जाता है मैं थोड़ा बिजली ज़्यादा बचाती हूँ मतलब जैसे लाइट वाइट ज़्यादा ऑन है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है एक तो बिजली बिल भी उठ जाता है यूनिट आजकल बड़ा महंगा हो गया है खासकर अगर आप कहीं और रेंट में रह रहे हैं तो और ज़्यादा यूनिट लग जाता है तो बिजली हम बचाते हैं और दूसरे को भी इस्तेमाल नहीं करने देते हैं गीजर के पानी से भी नहीं नहाते हैं चले तो अब आप देखें यहाँ पे हु हैज बीन रैंक फर्स्ट एंड टेंथ एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट दो अच्छा रजत क्या कोयला पे बनता है रजत तो भी तो आ, फिर इन्वायरमेंट को दे रहे हैं ना प्रॉब्लम निकिता ब्राउनी बनाती है ओके वेरी गुड सिक्स दिसंबर को आपकी सिस्टर का एनिवर्सरी एक्चुअली हमारी भी बुआ का एनिवर्सरी है छह दिसंबर को बहुत लोगों का एनिवर्सरी होता है, है ना हाँ जी बिल्कुल तो यहाँ पे देखें आप फर्स्ट रैंक इन द टेंथ एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव तो यहाँ पे आप बताएं हाँ हाँ बिल्कुल रजत को एकदम डांट पड़ना चाहिए देखिए ये कोयला कोयला बोल रहे हैं इंडियन फार्म कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है इसका आंसर है इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं इसलिए मैंने तीन चार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है मैं भी यूज नहीं करता फिटनेस ट्रेनर हूं बाहर का भी कम ही वाह रुद्र भट्टी जी बहुत इम्प्रेसिव हाँ निंजा बिल्कुल नॉन रीनबल नॉन रीनबल है लाइट सेविंग करनी चाहिए इतनी बचत करते हो मैम हाँ जी बिल्कुल बचत करते हैं हम बचत करेंगे तभी तो धीरे धीरे सेव वाटर ड्रिंक कुछ भी नहीं अच्छा जी मुझे लगा आप कुछ ड्रिंक खतरनाक बोल देंगे चले तो देखें यहाँ पे ये जो इफ्को है इफ्को करके एक इफ्को चौक भी है दिल्ली में तो ये 1967 है इफ्को जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली न्यू दिल्ली में है उसके बाद एम और सी जो है इनका नाम है यू एस अवस्थी जी और यहाँ पे बुकर प्राइज मैंने अचानक से डाल दिया है 2021 का और डेमोन गोलगोट को मिला है ये देख सकते हैं आप और सूरत एक ऐसा जगह है जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड मिल रहा है रिसेंटली चले आप लोग एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा लाइक कर देंगे सेशन को तो हमको बहुत अच्छा लग जाता है यहाँ पे और यास जो है वो ओमान नाम दिया है ये भी आप जानते हैं और गुलाब जो है ये पाकिस्तान नाम दिया है ये भी आप जानते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं जावोद का जो कि सऊदी अरेबिया नाम दिया है राइट चले अगला सवाल आप देखें तो सवाल के पहले आप थोड़ा ये देख लें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडकोर्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ये कब बना है तेईस मार्च 1950 को बना है ये इनके प्रेसिडेंट कौन है डेविस ग्रिम्स इनका नाम है और गुलाब तो पाकिस्तान दिया है यास यासमान दिया है ये सब जवाब आपके पास पहले से है चले निकिता पढ़ नहीं रहे हैं क्वेश्चन में रजत से किया है अच्छा यूपी स्पेशल क्लास आई एग्ज़ाम 19 को बहुत बच्चों का है 19 को बच्चा कौन सा एग्जाम है 22 को है ना एग्जाम एक पॉलीटेक का मुझे पता है और एक 23 जनवरी को शायद एग्ज़ाम है यूपी का ए e. का जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी मिली है उस हिसाब से यही है चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रफीक रफीक उल इस्लाम काफ़ी बार मैंने इनका नाम लिया है है ना रफीक उल इस्लाम जी जो है ये बांग्लादेश के थे और इनका निधन हो गया एक स्कॉलर थे प्रोफेसर थे ये रफीक उल इस्लाम जी फिर देखें कुछ और निधन का आप नाम जानते हैं माधवन कृष्ण नायर आप जानते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में लेजेंडरी क्रिकेटर एलन डेविडसन का जो है निधन हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया के थे आपसे पूछा जा सकता है एलन डेवन डेविडसन देविंस, जो है रिसेंटली इनका निधन हुआ है ये कहाँ के क्रिकेटर हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हैं तारक सिन्हा जो है ये भी प्लेयर थे तारक सिन्हा जो है ये भी एक नहीं मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है मैं इस बारे में भी थोड़ा बाद में बोलूंगी ठीक है या, ये दोनों सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गोरखपुर सिटी के बारे में है <coughs> यूपी ट्रिपल एस सी जेई और ए का भी पास में ठीक है ठीक है हाँ देखिए हम दसवीं बार दस दस करके एक बार बोल दे रहे हैं खैर तो यहाँ देखिए गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ है ये उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आप जानते हैं दो में यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अपने प्लेयर्स को रेसलिंग में थोड़ा कुश्ती में ध्यान देने के लिए और अपने ये गोल्ड मेडल लेने के प्लान में है दो में रेसलिंग में इस बात को ध्यान रखिएगा क्राइम रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश बहुत आगे है और इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने में भी उत्तर प्रदेश बहुत आगे है उत्तर प्रदेश में टोटल पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवार एयरपोर्ट जो कि नया एयरपोर्ट है ये आपका नोएडा में है वॉर मेमोरियल मेरठ में बना है एनिमल वॉर मेमोरियल जो युद्ध में जो जानवर शहीद हुए हैं उनपे मेरठ में वॉर मेमोरियल बन गया है फिर आप देखें इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव जो 2021 में ये बताएं कि कहाँ पे बना है अंबेडकर कॉन्क्लेव के बारे में मैं एक और बात बोलूंगी ठीक है तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एक बनाए यूनिटी आप जानते हैं पीस आप जानते हैं है ना तो आप ये भी जान लें इक्वालिटी समानता क्योंकि अंबेडकर जी जो हैं वो इक्वालिटी पे बात करते थे ये मुंबई में है ठीक है अंबेडकर जी का स्टैचू है ये और आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था काफ़ी बार मैंने बताया है कि हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं लेकिन ये हम लोग 1950 या उन्नीस से नहीं मना रहे हैं ये हम लोग 2015 से मना रहे हैं और इस बार 2021 में छठी बार हो गया ना पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस सातवीं बार हम लोग मनाए हैं इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है 2015 से मना रहे हैं खैर इसका जवाब जो है वो न्यू दिल्ली है अंबेडकर कॉन्क्लेव जो है वो रामनाथ कोविंद जी ने इसको इनोग्रेट किया है दिल्ली में इनोग्रेट किया है एस सी के लिए यहाँ पे फॉरम डाला गया है पार्लियामेंट में ठीक है चले नेक्स्ट सवाल जो है आप देखें डिप्टी मैनेजर के बारे में पूछा जा रहा है फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इस बारे में आपको पता है, ये गीता गोपीनाथ है. हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को यहाँ पे हल करने की कोशिश की जा रही है अगला सवाल आपके सामने है कि फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग एयरपोर्ट जो है इसका क्या नाम है इसको जल्दी से बताए चौबीस जैन लास्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बात सही है अभी आप क्यों थैंक यू थैंक यू कर रहे हैं रजत कहाँ जा रहे हैं नौ बजे नौ बजे से आप लोग कहां चले जाते हैं अभी तो मेरा क्लास खत्म भी नहीं हुआ है चले तो इसका आंसर जो है ये डिजी यात्रा है डीजी यात्रा इसका जवाब है क्लियर है जी चलें तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें स्मार्ट इंडिया की स्मार्ट तैयारी अगर आपको करनी है तो हम आपको 77 परसेंट का डिस्काउंट देंगे सारे प्रोडक्ट पे आप जानते हैं कि एसकेट का बैच सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है अभी है ना एस एस सी जेई के लिए बैच बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है यहाँ पे हम आपको सब प्रोडक्ट पे चाहे आप टेस्ट सीरीज लें कोर्स लें महापैक लें किताब लें कुछ भी लें हम आपको 77 परसेंट डिस्काउंट देंगे लेकिन कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा वाई तीन तीन दो वाई तीन सौ बत्तीस जो है इसका कोड है इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छा आप लोग दूसरे चीज का भी ध्यान दे रहे हैं नहीं नहीं रुक जाओ यार दो तीन क्वेश्चन और कर लें। खैर तो ये Y332 कोड है इसका लिमिटेड ऑफर है इसको इस्तेमाल करिएगा और आपको 77 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ये डिफेंस का महापैक है ये सबसे बढ़िया चल रहा है अभी और एफ कैट तो चल रहा है महापैक में यही फायदा है कि एफ़ कैट भी आ जाता है सी डी एस भी आ जाता है सी ए पी एफ भी आ जाता है सब कुछ एक में ही आ जाता है वाई तीन सौ बत्तीस कोड है सतहत्तर परसेंट का यहाँ पे डिस्काउंट है क्लियर है चले फिर आप देखें यहाँ पे स्ट्रेट मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगी जिस बच्चे का कोई दूसरा एग्जाम है या कोई दूसरा चीज़ है वो जा सकते हैं एक दो क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं बस हाँ कर, रोज रोज आए जरूर आए तो देखिए श्रेष्ठ श्रेष्ठा जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है श्रेष्ठ योजना कहाँ किस मंत्रालय का है श्रेष्ठ योजना तो होमवर्क का क्वेश्चन दे रहे हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है और अब जैसे बहुत सारे बच्चे का एग्जाम है दूसरा चीज़ है तो चलें इसको हम लोग करते हैं हाँ तो मैम क्या ओनली करंट अफेयर्स पढ़ें पढ़ेंगे हाँ बिल्कुल 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 सही बात है चलिए तो ठीक है इसको हम लोग गोल्डमैन सैश इंडिया का जीडीपी 9.1 रखा है इस बात को ध्यान रखिएगा और बी आर अम्बेडकर जी का एनिवर्सरी एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं छह दिसंबर को ये बात भी याद रखिएगा और आपका होमवर्क का ये सवाल है नहीं ये सवाल नहीं देंगे निजामुद्दीन बस्ती दिल्ली में है ये बात आप जानते हैं चले तो सवाल हम लोग हर्बल फेस्टिवल भी नहीं दे सकते क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का है ऐसा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे चलिए इसको देते हैं होमवर्क का सवाल, ठीक है होमवर्क का सवाल आपका जवाब आपको बताएं जो कि करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उनको क्लास के बारे में बता सकते हैं थैंक यू एवरीवन यस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग कल आठ बजे आपकी क्लास फिर से हो जाएगी